सर कैसे हो आप सब लोग। सही यहाँ पे जो है आप लोग देख रहे हो रोनिन की जो है ना एक दो तीन चार चार मॉडल्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। कोई कैफे रेसर है तो कोई भाई बोबर है एंड कोई स्क्रैम्बलर है तो कोई इस टाइप के जो इन्होंने सिंगल सीटर वर्जन जो है लाइक यहाँ पे शोकेस किए गए हैं। अगोंडा नाम से जो है भाई इनका है कोई एंड ये जो स्क्रैम है तो आपको जो ना वन बाई वन में दिखाता हूँ चारों ही एंड देखते हैं क्या कुछ आपको मिलता है इन चारों ही मॉडल्स में। तो सबसे पहले आप लोग देखो भाई ये जो इनका बोबर एडिशन जो है ना ये चेक करो तो ये जो है ना भाई सीरियसली देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है। आगे पूरा कार्बन फाइबर जो है इस कवर किया गया है इसके व्हील को एंड वही है रोनिन के जो है नॉर्मल जो स्पेक्स है वही सब कुछ है बट जो लुक्स है ना मेनली वो इसमें चेंज किया गया है। जो लुक्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके फ्रंट के हेडलाइट आप देखो रोनिन की लाइट है बट ये पूरा जो केसिंग दे दिया ना तो इसे एक नया ही लुक आ रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे इंजन वगैरह है एंड ये अपना टैंक है ये भी जो है मैट कलर में है। उसके बाद ये सीट है सिंगल सीट एंड दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। वैसे पीछे कोई भी सस्पेंशन वगैरह आपको नहीं दिखेगा। काफ़ी चौड़ा जो है 180 सेक्शन का टायर है यहाँ पे। इसका जो मीटर है वो प्लेस किया गया है इसके साइड में यहाँ पर। ऊपर जो है कोई भी मीटर वगैरह कुछ भी नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे की लगेगी उसके बाद नीचे मीटर ऑन हो जाता है एंड यहाँ पे कुछ और सिस्टम इन्होंने दे रखा है। तो इसके जो है डिटेल्ड एक लेके आएंगे वीडियो जिसमें कि एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ये जो है कैफे रेसर है इसको भी आप देख लो अच्छे से। इसमें जो है ऊपर यहाँ पे लाइट वगैरह जलती है जब आप इसको लाइक ऑन करोगे तब। देखो जो है नॉर्मल से इसका टैंक रखा गया है पूरा कैफे रेसर लुक देने के लिए। इसमें भी चौड़े टायर है बट इतने चौड़े टायर नहीं जितने उसमें 180 सेक्शन टायर है ना उस तरह। उसके बाद यहाँ भाई एगोंडा ठीक है यहाँ पे एक नया ही जो है वेरियंट है। वेरियंट क्या मतलब यहाँ पे कस्टम मॉडल्स हैं तो ये भी जो देखने में अच्छा लग रहा है यार। इसका भी आप ओवरऑल लाइक देख सकते हो लुक्स वगैरह। एग्जॉस्ट देखो पीछे जो ABS नहीं है पकड़े गए ठीक है। काफ़ी चौड़ा टायर है उसमें भी पीछे देख सकते हो 170 सेक्शन का टायर है भाई साहब। इसमें भी पीछे टेल लाइट देखो कितनी छोटी सी और कितनी क्यूट सी लग रही है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको देखो ठीक है। टैंक वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर रखा गया है जैसा रोनिन में आता है बट थोड़ा सा लेंथ ही आपको लग सकता है जो कलर वगैरह है ना उसकी वजह से। उसके बाद इसमें मीटर देखो छोटा सा मीटर दिया है मतलब भाई कलाकारी तो खूब कर रखी है TVS ने भी यहाँ पे ठीक है। और लुक आप लोग देख सकते हो साइड से ये स्क्रैम वेरिएंट है। इसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट आपको मिलता है आगे से सिंगल पाइप है क्योंकि सिंगल सिलेंडर है बट पीछे जाके दो एग्जॉस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें भी आपको ऑफरोडिंग टायर्स मिलते हैं एंड साइज भी इनका अच्छा खासा रखा गया है। साइज जो है देख लेते हैं क्या कुछ रखा है। सो 170 सेक्शन का जो है यहाँ पे भी नो 150 सेक्शन का टायर है उसमें 170 का है आई थिंक नो 170 नहीं है इसी 150 सेक्शन टायर ही है या 150 सेक्शन टायर इसमें भी ठीक है। तो भाई ये कुछ ऐसे जो है डिज़ाइन है। उसकी सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल सी आपको लगेगी। टैंक सेम अपना रोनिन से लिया गया है। उसके बाद आगे जो है आपको स्पोक व्हील्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे जो है अपना ये कुछ ऐसा डिज़ाइन है इस स्क्रैम्बलर वेरिएंट का। तो बताओ आप लोगों को कैसी लगी। बाकी जो है ये सारी चीज़ें जो इन्होंने शोकेस की है। इसका जो फ्रंट है वो भी काफ़ी क्यूट है। तो डिटेल्ड बैकग्राउंड जल्दी आएंगे तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम लव यू ऑल गाइस।